उत्तर प्रदेश में रविवार को आयोजित यूपी टेट की परीक्षा स्थगित हो गई है। पेपर लीक होने के चलते परीक्षा को स्थगित करते हुए परीक्षा एक महीने बाद आयोजित की जाएगी, जिससे छात्र निराश होकर वापस लौट रहे हैं। क्या नाम आपका? नीरज कुमार शर्मा। ये बताइए, आप एग्जाम देने आए थे टीईटी का, क्या रहा एग्जाम में? सर एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया नकल की वजह से। अच्छा, मतलब क्या हुआ था? शासन के आदेश अनुसार जो है पोस्टपोन्ड हो गया जी, जब नकल हुई। तो किस तरीके से पता पड़ा नकल हो रही है? बस सेंटर पे ही जांच पड़ी थी। अच्छा, क्या हुआ फिर वहाँ पे? वहाँ पे जो हेड टीचर हैं, उन्होंने जो है पोस्टपोन्ड करवा दिया। प्रिंसिपल जो है। तो आप कहाँ से एग्जाम देने आए थे आप? मैं यहाँ से आया था सर, जो है औरंगाबाद घोरा मुदाफरा के पास। आपको बता दें कि रविवार को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी। पहली पाली में 10 से 12 बजे तक तो दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक होने के चलते परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसे ही पेपर मथुरा, गाजियाबाद और बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक हुआ तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते रविवार को आयोजित पेपर को स्थगित करते हुए परीक्षा को अगले महीने आयोजित करने का फैसला लिया गया। इसके लिए छात्रों को किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी। पूरे मामले की जाँच एसटीएफ को सौंपी गई है।